हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कपकेक्स। बहुत ही टेस्टी बनती है ये कपकेक्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए कपकेक्स बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बोल में 3 अंडे डालेंगे। अंडे को हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ये क्रीमी और फ्रॉथी न बन जाती। अंडे अच्छे से बीट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छे से फेंटते रहेंगे। परफेक्ट क्रीमी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप तेल, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। एक बाउल और छन्नी ले लेंगे। 3/4 कप मैदा डालेंगे। एक 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी लंप्स ना रहे। अच्छे से मिक्स कर लें। अब ड्राई इंग्रेडिएंट को हम वेट इंग्रेडिएंट में ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। आप इसे जोर जोर से मिक्स ना करें, एकदम हल्के हाथों से मिक्स करें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसे ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाना है। बैटर अब तैयार है। अब हम इसे एक साइड में रखेंगे। कपकेक ट्रे को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल से। अब हम इसमें कपकेक्स की पेपर लाइनर्स रखेंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। मोल्ड्स को पूरी तरह से ना भरे, मोल्ड के 3/4 हिस्से तक भरे। थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर डालेंगे।
अब हम इस ट्रे को प्री हीटेड ओवन के अंदर ध्यान से रखेंगे और बेक करेंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पर। 15 मिनट के बाद कपकेक्स अच्छे से फूल गए हैं। इसमें एक टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे, अगर टूथपिक साफ निकलता है तो कपकेक्स तैयार है। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखेंगे। अब हम इसको टूथपिक के जरिए डीमोल्ड कर लेंगे। हमारे कपकेक्स बिल्कुल तैयार है। चलिए फ्रॉस्टिंग करते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने व्हिप्ड क्रीम यूज किया है। डिलीशियस कपकेक्स तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें।